आपके उत्तर प्रदेश के एक कवि हैं और काफी चर्चित कवि हैं, जिनका नाम है अखिलेश द्विवेदी। और आप सभी जानते हैं कि वो हास्य कविताएं लिखते रहते हैं और लोगों को हंसाते रहते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी हुई है और मुझे लगता है कि वो कविता आज के नेताओं पर बिल्कुल फिट बैठती है। पहले उस कविता को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनकी जन्म कुंडली हम लोग देखेंगे जो स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखी एक कविता की, पढ़े लिखे वो सब संतरी बने, अपराधी माफिया मंत्री बने। और मुझे लगता है कि आप लोग, चाहे आपकी राज्य की बात कर लीजिए, राज्यों में आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या फिर आप लोग केंद्र में जाइए, लोकसभा हो या फिर आपकी राज्यसभा सदस्य हो, इसमें से आधे से अधिक आप देखेंगे कि ये आपकी या तो बलात्कार के मामले में इनका नाम होगा, केस दर्ज होगा, या हत्या के मामले में या डकैती के मामले में, गंभीर आपराधिक मामलों से घिरे रहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब वो केंद्र में पहुंचेंगे, मंत्री बनेंगे, तो उनका कारनामा क्या होगा आप सभी लोगों के सामने है। अब बात आती है इनकी स्क्रीन पर, आप लोग अभी काफी चर्चा में सुन रहे होंगे, आपके राज्य मंत्री भी हैं, तो आपको बता दूं ये हैं आपके अजय मिश्रा। और अजय मिश्रा भी इसलिए चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि आपने लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड हुआ है, जो कांड हुआ है किसान में, किसानों, कई किसानों की डेथ भी हुई है उसमें, तो उसमें इनका और इनके बेटे का नाम आ रहा है। और किस तरह से इन पर विवाद है उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आज के ही विवाद नहीं है, इससे पहले भी आप देखेंगे इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। एक समय आपको बता दूं ये हिस्ट्री शीटर भी रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और इनकी राजनीतिक सफर यात्रा किस तरह से रही है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि लखीमपुर खेरी से आते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपका हमारा प्यारी पृथ्वी, इस पर हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश आपको ये देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है, और यहाँ आप देखेंगे तो आपको एक जिला देखने को मिलेगा, लखीमपुर खीरी, यहीं से लोकसभा सदस्य बनकर आते हैं, ठीक है, अजय मिश्रा। तो आप लोग देख लीजिएगा इन्हें, स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रही है ना, तो यही आपके अजय मिश्रा, इन्हें टैनी भी बोला जाता है, इनका उपनाम टैनी भी है। तो इनका पूरा नाम है अजय मिश्रा टैनी। इनका जन्म होता है 25 सितंबर 1960 को, और जन्म स्थान की बात करें तो बनवीरपुर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से ये आते हैं। और इनके पिता की बात करें तो श्री अंबिका प्रसाद मिश्रा इनके पिता, और माता श्रीमती प्रेम दुलारी मिश्रा। और इनके जीवन साथी यानी कि पत्नी की बात करें तो श्रीमती पुष्पा मिश्रा इनकी पत्नी का नाम है। इनके बच्चों की बात करें तो आप देखेंगे दो पुत्र हैं इनके, एक आप इनकी पुत्री है। अब बात आती है इनकी शिक्षा की, तो आपको बता दूं पढ़े लिखे भी हैं आपके मंत्री साहब। क्राइस्ट चर्च कॉलेज से इन्होंने विज्ञान में स्नातक की हुई है, और डीएवी कॉलेज कानपुर से इन्होंने विधि स्नातक की हुई है, कानून, इन्होंने कानून की पढ़ाई की हुई है। और इनके व्यवसाय की बात करें तो एक किसान भी रह चुके हैं, व्यवसायी भी हैं और राजनेता भी हैं। और इनके राजनीतिक दल की आप सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप लोग बीजेपी भी कहते हैं, इनकी इससे जुड़े हुए हैं। इनकी रुचि की बात करें तो क्रिकेटर भी रहे, पावर लिफ्टिंग और कुश्ती भी इन्होंने सीखी हुई है, पहलवानी भी की हुई है। और आपको बता दूं कि अजय मिश्रा टेनी को 17वीं लोकसभा के सांसद रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपके मिश्रा जी इस तरह की छवि वाले हैं कि उन्हें आप देखिए कि संसद में उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें संसद रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है, ठीक है, 17वीं लोकसभा में। अब बात आती है इनकी राजनीतिक सफर की, तो आपको बता दूं 2012 के विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी से पहली बार निघासन सीट से विधायक बनते हैं, जिसे आप लोग एमएलए भी कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आप लोग विधायक का डायरेक्ट चुनाव करते हैं, यानी कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और आप सभी को मालूम भी होगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, और आप लोग लोकसभा सदस्य हो या फिर आपका विधानसभा सदस्य हो, इनका चुनाव करने जाते होंगे, आपके लोकल बॉडी के जो चुनाव होते हैं, सरपंच या फिर आप देखिए कि आपकी नगर पंचायतों के, तब भी आप लोग वोट डालने जाते होंगे। लेकिन अगर विधायकी का आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए।
अधिकतम पर कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है। पर आप देखेंगे 2014 में आपके लोकसभा चुनाव होते हैं, 16वीं लोकसभा की, इसमें एक खीरी से लोकसभा सदस्य बनते हैं। जिस समय आपने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की काफी लहर चल रही थी, मोदी लहर चल रही थी, उसमें ये 2014 में खीरी लोकसभा से क्षेत्र से सदस्य बनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 2014 में ही वह ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति के सदस्य बनते हैं और 1 सितंबर 2014 को उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत परामर्श समिति के सदस्य भी नियुक्त किया जाता है। फिर आप देखेंगे 2019 में आपकी 17वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं और जिसमें आपने देखा है कि बीजेपी को पिछली बार से और अच्छे से बहुमत मिला हुआ है, तगड़ी जीत मिली हुई है एक तरह से आप कह सकते हैं। ये आप देखेंगे दोबारा खीरी से लोकसभा सदस्य बनते हैं। फिर आप देखेंगे जुलाई 2021 में अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री बनाया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि हमने कैबिनेट मंत्री तो सुना है, ये गृह राज्य मंत्री क्या होता है? तो आपको बता दूं कि एक देखिए गृह राज्य मंत्री क्या होता है, एक कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में एक तरह से काम करता है, लेकिन जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें भाग नहीं ले सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि सभी सुख सुविधाएं मंत्री वाली ही इन्हें मिलती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब बात आती है इनके विवादों की, और सबसे कारण मुझे लगता है कि राज्य मंत्री के रूप में इन्हें नहीं लोग जानते होंगे, इनके विवादों के कारण इन्हें आप लोग जरूर जानते हैं। तो अजय मिश्रा पर लखीमपुर के ही तिकुनिया थाने में हत्या, घर में घुसकर मारपीट, बलवा के 4 मुकदमे दर्ज थे। इतना ही नहीं, अजय मिश्रा की तिकुनिया थाने में हिस्ट्री सीट भी खुली गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने अजय मिश्रा की हिस्ट्री सीट को खारिज कर दिया था आगे। और दर्ज हुए मुकदमों की बात करें तो अजय मिश्रा टेनी पर तिकुनिया थाने में 4 मुकदमे भी दर्ज थे। और आप सभी जानते हैं कि जब सत्ता आ जाती है अपनी, क्योंकि 2017 में आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो आप सभी जानते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन पर भी कुछ मुकदमे दर्ज थे, उन्होंने भी अपने मुकदमे वापस ले लिए हैं। तो अगर आपकी सत्ता है, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, या फिर आप देखिए अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, अभी आप देखिए उन पर कितने मुकदमे लदे गए हैं, लिखे गए हैं, उनके कार्यकर्ताओं पर भी लिखे गए हैं। जैसे ही आप देखेंगे सपा की सरकार आएगी तो उन्हें एक एक करके वापस ले लिया जाएगा। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि उनका प्रभाव काफी ताकतवर हो जाते हैं। तो यही इनके साथ भी हुआ। और इनकी बात करें तो 5 अगस्त 1990 को तिकुनिया थाने में अजय मिश्रा के साथ 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उन पर हथियारों से लैस होकर मारपीट का आरोप लगाया गया था। कब? 1990 की बात कर रहे हैं। पर आप देखेंगे 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता की हत्या में अजय मिश्रा समेत 4 लोग नामजद किए गए थे। नामजद कहने का मतलब है कि डायरेक्ट आपका नाम लिखवा देना, आरोप नहीं, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें नाम भी इनका रहा है। और 31 अगस्त 2005 को ग्राम प्रधान ने अजय मिश्रा समेत 4 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट और दंगा फसाद का भी मुकदमा दर्ज कराया था। ये सन 2005 की बात है। पर आप देखेंगे 24 नवंबर 2007 को अजय मिश्रा समेत 3 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट का 4वां मुकदमा दर्ज हुआ था। तो आपके मंत्री साहब काफी पावरफुल हैं एक तरह से, और आप देखिए एक पर एक आप देखिए उपलब्धि हासिल करते जा रहे हैं। अजय मिश्रा पर 2005 में आप देखेंगे 2007 में कि मारपीट के मुकदमों में अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भी नामजद था, इसमें शामिल था, और आप देखिए इसका भी नाम उससे जुड़ा हुआ था। अभी जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, जो कांड हुआ है, इसमें FIR हुई है, उसमें भी आप देखेंगे इनके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू का नाम शामिल है, ठीक है। और अजय मिश्रा पर आप देखेंगे तो 4 गंभीर मुकदमों में सबसे गंभीर मुकदमा प्रभात गुप्ता मर्डर केस का था, और आप सभी जानते हैं कि हत्या का मामला होता है, और हत्या के इस मुकदमे में अजय मिश्रा लोअर कोर्ट से बरी कर दिए गए। और इंतफाक था कि 29 जून 2004 को सुनवाई करने वाले जज ने अजय मिश्रा को हत्या के मुकदमे बरी किया और 30 जून को जज साहब का रिटायरमेंट हो गया, ठीक है। और परिवार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील की, दायर की, जो वर्तमान में अजय मिश्रा हाईकोर्ट से जमानत पर हैं और आपके मंत्री हैं, ठीक है, जमानत पर भी हैं और मंत्री भी हैं।
ये दोनों कनेक्शन आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक दिन आप में से किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है हमारे देश में कि आप देखिए जितना बड़ा अपराधी होगा उतना ही बड़ा नेता बनेगा। तो इसके लिए सीधा सा जवाब यही है कि हमारे देश की एक परंपरा बन चुकी है कि एक आप देखिए कि नॉर्मल साफ सुथरी छवि वाला भी चुनाव लड़के देखे ईमानदार आदमी तो वो चुनाव हार जाएगा, और अपराधिक छवि वाला कोई चुनाव लड़े तो वो चुनाव जीत जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी आपकी जनता जो वोटर होती है उनकी भी गलती है, हम लोग भी ऐसे लोगों को चुनना पसंद करते हैं, और इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि आपके जाके संसद हो या फिर आपके विधानमंडल हो यहाँ इस तरह के सदस्य भरे पड़े हुए हैं, और आप देखिए कि उसी तरह के वो कानून बनाएंगे, उनकी सोच भी वैसे ही रहेगी। और आपको बता दूं कि 12 मार्च 2018 से हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर रखा है, और बीते 3 साल से फैसला सुरक्षित रखने पर हाईकोर्ट डबल बेंच में अपील दायर की हुई है, और जिस पर अक्टूबर महीने में सुनवाई होना है। और लखीमपुर हिंसा के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। और आपको बता दूं, एक आपने देखा होगा अभी कुछ ही समय पहले एक उत्तर प्रदेश में हत्या आपने देखा होगा कि पुलिस वालों को कुछ मारा था, उसके बाद आपने देखा है कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया था, समझ रहे हैं आप लोग। अगर वो भी कुछ समय के लिए विकास दुबे की बात कर रहा हूं मैं जी, तो अगर वो भी आप देखिए जिंदा रहता और जेल जाता तो मुझे लगता है कि वो जेल से छूटने के बाद वो भी कुछ बड़ा ही पद पर पहुंच जाता, समझ रहे हैं आप लोग। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कई इस तरह के अंडरवर्ल्ड एक तरह से आपके ये डॉन बने हुए माफिया जो जेल में बैठ के भी चुनाव जीत जाते हैं। अब बात करते हैं 2021 की घटना की, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले इनका एक वीडियो वायरल भी हुआ था, और लखीमपुर खेरी में बवाल की आग संपूर्णानंद नगर संपूर्णानगर में किसान गोष्ठी से सुलगती शुरू हुई है। एक बात बता दूंगा आपको कि ये जो किसान गोष्ठी सम्मेलन हो रहे हैं ये बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश भर में किए जा रहे हैं, और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश भर में इसका विरोध भी किया जा रहा है। पंजाब में देखिए आप लोग नेताओं का काफी विरोध किया जा रहा है, हरियाणा में तो आप देखे कि मुख्यमंत्री को आने ही नहीं दिया जा रहा है गाँव में, तो वहां जाने के दौरान आप देखेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को काले झंडे दिखाए गए थे। इस पर उन्होंने मंच से ही किसानों को धमकाते हुए कहा था कि सुधर जाओ वरना सुधार देंगे, 2 मिनट में सुधार देंगे। इस बयान के बाद आप देखेंगे वहां के किसान आक्रोशित थे, तो इस वीडियो को भी आप लोग एक तरह से देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने काफी एक तरह से मेरा पिछला बैकग्राउंड क्या रहा है आप लोग जानते होंगे, इस तरह की धमकाया भी था उन्होंने। फिर आप देखते हैं कि 2021 में ही लखीमपुर खेरी मामले में मुख्य रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बेटी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के ऊपर इल्जाम लगा है कि लखीमपुर खेरी में 4 किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोप में आशीष मिश्रा पर केस दर्ज हो चुका है। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप लोगों से एक मेरा सवाल है कि आप देखते हैं कि हमारे संविधान में भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार दिए गए, उसमें आपने देखा होगा कानून के समक्ष समता समानता की बात की गई है। क्या आपको लगता है कि अगर कोई और होता और उस पर FIR इस तरह की हत्याकांड में अगर शामिल होता और FIR की जाती तो क्या उसकी गिरफ्तारी इतने टाइम तक ना होती? आप देखिए इस तरह की बातें आप लोग देखें, मुझे लगता है कि कानून में बस कहा गया है लिखा गया है, लेकिन आपके मौलिक अधिकारों की धज्जियां किस तरह से उड़ाई जाती हैं, कहां आपको मौलिक अधिकार मिलते हैं, इसे मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये कहानी है आपके अजय मिश्रा की, ठीक है, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए, इतने उपलब्धियों वाले आपके मंत्री साहब हैं तो कम से कम इस तरह की उपलब्धियां हासिल करने वाले मंत्री के बारे में आपको जानना तो चाहिए, ठीक है। और भी इन पर कई तरह के आरोप हैं और इसके लिए आप लोग उत्तर प्रदेश के होंगे तो आप लोग इन्हें जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो अपने जो भी आप लोग उत्तर प्रदेश के अपने परिवारों से पूछिए, अपने बुजुर्गों से पूछिए कि इनकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या इतिहास रहा है, तो वो भी और अच्छे से बता देंगे आप लोगों को, ठीक है।